कितने झील? चलो फिर मुझे लेके चलो। ये मेरे छोटे छोटे से गाइड हैं तीन, इस तीनों को मिला लें तो एक बड़ा गाइड बन जाता है। ये मुझे झील तक लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का ब्रांड न्यू एपिसोड और ब्रांड न्यू सीरीज, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लाह वाली झील पे। है तो ये अल्लाह वाला मेडो उसे कहेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने शायद इसी के लिए फरमाया था कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हम अल्लाह वाली झील का समझ के यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन ये मेडो है और पानी के जो चैनल्स हैं यहाँ पे इस कदर इस तरह से चलते हैं, ऊपर जाके देखने से पता चलता है कि अल्लाह लिखा हुआ है, जिसकी वजह से इसको अल्लाह वाली झील कहा जाता है। इलाका ये है गौतम सर का और रीजन है ये अस्तोर का। तो अस्तोर की जो मेरी सीरीज स्टार्ट हुई है उसका हम ले रहे हैं स्टार्ट अल्लाह के पाक नाम से, अल्लाह वाली झील से। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत जगह मैंने बहुत कम देखी है। कलाम के एक दो मेडोज हैं, उसके बाद मैंने आज ये जगह देखी है कि जहाँ पे आके मजे आ गए हैं। और ये तकरीबन 21 किलोमीटर बनता है अस्तोर शहर से। हम इसका रास्ता देखते हैं, सड़क कहाँ तक कच्ची है, कहाँ से पक्की है, गाड़ी आ सकती है नहीं आ सकती, ऊपर होटल बने हुए हैं, नाइट स्टे अगर करना हो तो क्या सीन होता है, और गाड़ी कितने पैसे लेती है, सिग्नल का क्या सीन है, फैमिली को यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं। ग्रिप ऑन ट्रिप जितनी भी इस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो आपको हम सारी देंगे। आपने ये एपिसोड देखते रहना है और अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना सफर अस्तोर शहर से। मेरे साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप ऑन ट्रिप में आज हम सफ़र कर रहे हैं वादी अस्तोर का, जिसमें पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गांव, झीलें, सड़कें और चरागाहें मौजूद हैं। बाय रोड एक्सेस की बात करें तो कराक्रम हाईवे पर रायकोट से 12-15 किलोमीटर बाद अस्तोर जाने वाली सड़क का कट आ जाता है। इस जगह को थलेची कहा जाता है। यहां से अस्तोर का फासला तकरीबन 40-45 किलोमीटर बनता है और वहां पहुंचने तक आपको तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। अस्तोर द फेरी लैंड सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे अल्लाह वाली, रेनबो, शोसर, दिदले लेक को। इसके अलावा रामा मेडो जाएंगे और इंशाल्लाह विजिट करेंगे नांगा पर्वत के रूपल फेस का। आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं अल्लाह वाली झील का, जो अस्तोर शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है। वैसे इलाके का नाम गौतम सर है और यहाँ मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। अस्तोर शहर से निकलें तो एमपी चेक पोस्ट से सड़क नीचे उतरती है, जहां से आप पुल क्रॉस करके दरिया की दूसरी जानिब गांव को जाने वाले रास्ते पर हो जाते हैं। गूगल मैप से तो मदद मिलती रहेगी, लेकिन मैंने 2-3 मुकामियों से डिस्कशन कर ली है। इनके मुताबिक ये सफ़र 1.5 घंटे का है और इनका ये कहना है कि झील तक आपको आबादी मिलती रहेगी, मतलब गांव आते रहेंगे। मुझे कई सीनियर ट्रैवलर्स ने एडवाइस किया था कि अस्तोर को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो, और इनके बकौल पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन ज़िले की बात की जाए तो वो अस्तोर ही है। सीनियर्स की बातों को जहन में रखते हुए मैंने अस्तोर को 5 दिन के लिए प्लान किया है और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाके को एक्सप्लोर करूं। अभी हम जिस एरिया से गुजर रहे हैं इसे पर्शिंग वैली कहते हैं। इस वैली के देहात बहुत ही खूबसूरत हैं। अभी सड़क पक्की है, लेकिन मुझे आइडिया है कि 10-12 किलोमीटर बाद ये बहाने ख़त्म हो जाएंगी और रास्ता कच्चा हो जाएगा। शरबत पीकर निकले और अभी टोटल 8-9 किलोमीटर का सफ़र ही हुआ है और पर्शिंग वैली में आपके साथ साथ बहने वाले नाले का रंग बदल गया है।
अभी सड़क पक्की है लेकिन मुझे आइडिया है कि 10-12 किलोमीटर बाद ये बहाने ख़त्म हो जाएंगी और रास्ता कच्चा हो जाएगा। अल्लाह वाली झील ने अल्लाह तो याद करवाना ही था, लेकिन इसके रास्ते ने भी सुबहान अल्लाह कहलवा दिया मुँह से, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। और हम तीसरा स्टॉप कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, और प्रीशिंग विलेज में से हम गुजर के आ रहे हैं। प्रीशिंग भी इनकी एक वैली है और बहुत ही खूबसूरत गांव आ रहे हैं रास्ते में। मेरे साथ ये मामला रहता है, सड़क ख़राब हो लेकिन वैली साइड कुछ ऐसी हो तो रास्ते की दुश्वारी ज़रा कम महसूस होती है। रास्ता इस कदर खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। हालांकि मैं आज लेट निकला था, पता कि दोनों तरफ खेत हैं, औरतें बच्चे की खेतों में काम कर रहे हैं और मर्द बूढ़े भी आपको सड़क पे मिल रहे हैं, और मर्द ज़्यादा मतलब भी वेले बैठे ने काम, बुढ़िया वालों से बच्चे वालों को ला रहे हैं। मेरी तो नहीं थी क्योंकि जो रामा का रास्ता है वो इतना प्यारा नहीं था, जो शुरू के 5 किलोमीटर थे मैं वैली स्टार्ट होने से पहले, लेकिन ये जैसे ब्रिज क्रॉस किया खूबसूरत है माशाल्लाह रास्ता। अब इसको मजीद कवर करते चलते हैं। ले जी, कारपेटेड सड़क ख़त्म हो गई और फुल टाइम ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वैली साइड खूबसूरत मंजर पेश करने लगी है। सड़क पर कुछ जगहों पर काम भी हो रहा है, पूछने पर पता चला कि सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। सड़क का ये 1.5 से 2 किलोमीटर का हिस्सा कच्चा है जो कि बारिश में नहायत ख़तरनाक होगा। हम लोग तकरीबन 16-17 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। मुसलसल हसीन मनाजिर देखता सफ़र कर रहा था, मगर फिर हिम्मत जवाब दे गई और सोचा कि इस नज़ारे को कैमरे की आंख में महफूज कर लेना चाहिए। पर्शिंग वैली का ये नज़ारा वाकई लाजवाब है, सुभान अल्लाह। वैसे एक ये बड़ी ज्यादा करते हैं पहाड़ी लोग कि हमारे होटल वाले बंदे ने कहा था कि आपको 1.5 घंटा लगेगा और हमें ट्रैवल करते हुए 40 मिनट हो गए हैं और अभी हमें जो लोग मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ठीक है या किसकी इन्फॉर्मेशन बेहतर है, लेकिन हमें यह है कि कन्फ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि हम तो गूगल पर चलने वाले लोग हैं और गूगल बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ बता रहा है। तो लेकिन ये है कि वैली के व्यूज़ इतने प्यारे हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही, अदरवाइज़ गल्लां साडियां ठीक नहीं हैं।
यहाँ पे हमने पीछे अपनी बाइक लगा दी है, पार्किंग यहाँ पे उसी है। उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट की वॉक करके ऊपर जाना होता है झील तक। और इसका अगर मौसम खूबसूरत हुआ है ना, बारिश ही ना हो जाए, कि हमारे पास रेनकोट तो है लेकिन बारिश में बाइक चलाना और काफ़ी ज़्यादा उतराई है, अल्लाह खैर करे। कितना झील? चलो फिर मुझे लेके चलो। तुम्हारा क्या नाम है? समर रेगमपा। ये मेरे छोटे छोटे से गाइड हैं तीन, इस तीनों को मिला लें तो एक बड़ा गाइड बन जाता है। ये मुझे झील तक लेके जा रहे हैं। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद मंजर एकदम से बदला और एक बहुत बड़ा मेडो हमारे सामने था। ये देखिए जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, वहाँ क्या ही खूबसूरत जगह है। सारा मेडो आपके सामने है और उससे पहले पानी नीचे जाने से पहले एक पूरा एक पॉन्ड सा बनाता है, बड़ा सा 1.5 से 2 किलोमीटर का जो है ना रास्ता, वो काफ़ी खतरनाक सा मुझे लगा था। मैं यही रास्ते में सोच रहा था कि हमने रात नहीं करनी, हमने बारिश से पहले और अंधेरा होने से पहले निकल आना है। और जैसे कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ, मेरा अपने घर वालों से प्रॉमिस है कि मैं रात में पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल नहीं करूँगा। मैक्सिमम अगर लेट हों भी तो इशा से पहले पहले मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। और ये एक्सपीरियंस लाजमी कीजिएगा, यहाँ आना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। 4x4 पे आप आएंगे तो आप हो सकता है 1.25 घंटे में यहाँ पहुंच जाएं। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं जो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई हैं और वो नज़ारा करने गए हैं। सिंपलेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म है यहाँ पे लाइफ की, और लोग भी उतने ही अच्छे हैं। लोग बड़े खुश थे हमें देख के कि हम यहाँ पे आ रहे हैं। इतने खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम ऊपर पहुंचे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर पहुंचे हैं तो जो जितनी हमारी थी एक्साइटमेंट वो मल्टीप्लाई हो गई इस मेडो को देख के। इस तरह का मेडो बहुत कम दिखने को मिलता है, मतलब कलाम में जानशाही मेडो मुझे कुछ ऐसा लगता है, या जग बनाल भी ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा है माशाल्लाह। इसमें जानवर गाय बकरियाँ चर रही हैं, अपनी मस्ती में वो बिजी हैं, किसी को कोई लिफ्ट नहीं करा रही, ना उन्होंने ग्रिप ऑन ट्रिप का पता है, बस खा रही हैं तो चली जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं मेरी तो घर वाले हिसाब है मेरा इन्होंने भी। तो अभी कहा यह जा रहा है ये इटसेल्फ झील नहीं है, आप पहाड़ पे जाएं और ऊपर से ये जो पानी चैनल्स की सूरत में जा रहा है इसकी शक्ल जो है वो आपको अल्लाह लिखा हुआ नजर आता है। तो अब यहाँ तो बाज ऊपर जाएगा या फिर मेरा ड्रोन ऊपर जाएगा, आपको तो पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बाकी 1.5 घंटा लगा है, हमें होटल वाले ने 1.5 घंटा कहा था, 1.25 घंटे लगे होंगे, हमने रास्ते में ड्रोन फ्लाइट ली थी, लेकिन रास्ता इतना प्यारा था कि उसके ऊपर 2.5 घंटे लगने चाहिए थे। मेरा तो ये मानना है ऑफ रोड आखिरी 10 किलोमीटर काफी ऑफ रोड है, जीप 4x4 का ट्रैक है, गड्डी आने वाली गलती ना करना इतने, नहीं तो पछताओगे क्योंकि उमर भाई ने दसिया नहीं सी। अभी चलते हैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं उस साइड से जाके, फिर देखते हैं कि अल्लाह कहाँ से लिखा हुआ नजर आता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे हमारे गाइड थे उन्होंने लभने के सामने 200 सही निकल गए, नहीं लगता मैंने। ओहो हजरात, ये दो जो शीले नौजवान आ गए थे लड़ने, पर दिखाएंगे हम आपको अल्लाह वाला जी ऊपर से।
अल्लाह ने आज मुझे एक नई जगह दिखाई है और उसकी बारगाह में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जिस कदर खूबसूरत सफ़र किया है हमने, मैं अपनी एक्साइटमेंट आपको बता नहीं सकता कि किस कदर सुकून हासिल हुआ है और कितना मज़ा आया है। हम लोगों ने कोई 5-6 जगह पे रुके हैं। इस सफ़र की एक अच्छी बात यह है कि आपको मुसलसल गांव जो हैं वो आते रहते हैं। इस मेडो के ऊपर एक PWD का रेस्ट हाउस बना हुआ है, उसके पीछे घर भी नज़र आ रहे हैं। नाकाबिले बयान हद तक खूबसूरत है। यहाँ पे गांव वाले अपने जानवर लेके फिर रहे हैं और उनको बच्चे चरा रहे हैं, छोटे बच्चे चरा रहे हैं। ना कोई औरत है ना कोई मर्द है, बस उनको उनके साइज़ के छोटे छोटे जानवर ही दिए हैं कि तुम इन्हें चलाओ। और अभी हम लोग इस पहाड़ पे चलते हैं। इस पहाड़ पे चढ़ के हमें व्यू नजर आएगा जो कहा जा रहा है कि अल्लाह लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे रात रुकने के लिए कोई भी होटल मैंने नहीं देखा। टक शॉप्स हैं यहाँ पे, लेकिन इसका सफ़र इतना स्टोर से ज़्यादा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे रात रुकें। कैंपिंग आप अपने ही लेके आए तो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई उस तरह से नहीं है। मैंने लोकल से पूछा है, यहाँ पे सिग्नल कोई नहीं है और एसकॉम में भी चलता हो बस एसकॉम चल रहा है, एसकॉम भी नहीं चल रहा। जो हमारे पास एसकॉम पर यू नहीं चल रहा, पता नहीं कमेंट आए नहीं, हमारा तो चल रहा था। साढ़े को पता नहीं फिर कि फ्राया थी सिम है, लेकिन जगह बहुत प्यारी है और हम यहाँ पे आए बड़े अच्छे टाइम में। इस वक्त लाइट बड़ी अच्छी हुई है, अदरवाइज हम अक्सर जगहों पे ट्रैवल कर लेते हैं 12-1 बजे तो फुल तेज़ बाज रही होती है, लेकिन यहाँ पे खूबसूरत है, मौसम भी प्यारा हुआ है, इवन लाइट है, हवा चल रही है और बस। और इस जगह ने वैसे ही मुँह से आपके बेख्तियार सुभान अल्लाह निकलवाया कई दफ़ा। और मेरा ये तरीका है, जब मैं किसी नई जगह पर जाता हूँ तो मैं शुक्राने के अक्सर 2 नफल भी पढ़ता हूँ। इस जगह ने भी आज मजबूर किया कि 2 नफल पढ़े जाएँ। अल्लाह वाली झील की बात जो की जा रही है, ये झील नहीं है, ये मेडो है। अपने प्लान से मैं 1 घंटा लेट हूँ और मैंने शाम यहीं पे कर दी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सफ़र जो है वो अंधेरे में नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सारे रास्ते में गांव आते रहते हैं, घर आते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको तसल्ली रहती है कि चलो कोई लंघता तो पे आना। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, 6:30 हो गए हैं, 7:20 पे मगरिब होगी यहाँ पे और 7 उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और भूख बहुत लग गई है यहाँ पे, इस एपिसोड में मैं खाना भी नहीं खा सका। हम जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ पे खाना बड़ा अच्छा मिल रहा है, तो मैं इजी था कि चलो खाना वहाँ से जाके खा लेंगे। ये गौतम सर में अगर आप रुकना चाहें तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा कमरा, मिलेगा रात को। और कमरा कैसा है ये मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, काफ़ी दूर है, मुझे वापसी का सफ़र करना है। और अस्तौर की ये मेरी जो सीरीज़ है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट ही अल्लाह के नाम से की है और बहुत ही खूबसूरत जगह से किया है। और मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी हम इससे भी खूबसूरत खूबसूरत जगह देखेंगे। और इसी खुशी में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और मुझे दुआ में याद कर लें। अल्लाह हाफिज़। ग्रिपन ट्रिप के अगले एपिसोड में हम लोग सफ़र करेंगे पाकिस्तान की खूबसूरत तीन सड़क पर और पहुंचेंगे एक ख्वाबी जगह। और अगर आप प्योर विलेज लाइफ देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं स्कर्दू में एक नहायत खूबसूरत चरागाह तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।